तो दोस्तों आज हमने एक कंप्रेसर ठीक करना था तो उसमें कुछ मसला था, तो हमने सोचा कि चलिए आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं कि कंप्रेसर के अंदर होता क्या है। तो ये है वो कंप्रेसर, आज हम इसको काटेंगे और इसके अंदर क्या कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसमें सिस्टम होता है, तो आज हम आपको सारा दिखाएंगे। ये देखें, इसमें से ऑयल बाहर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि ये कटिंग होना शुरू हो गया। अब हम इसको घुमाएंगे और दूसरी जगह से कटिंग करेंगे। ये देखें, अभी ये कट गया, देखिए ऑयल इसमें से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सीधा करेंगे, इसको थोड़ा मारेंगे, ये देखें ये हमारा जो है, देखें बिल्कुल अंदर से कंप्रेसर आपको नज़र आ रहा है। अब हम आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसमें क्या क्या लगा हुआ है। दोस्तों ये देखें, अभी ये खुल चुका है जी। ये इसका रूटर है, ये इसका स्टेटर है, इस पूरी बॉडी को स्टेटर कहते हैं। ये रूटर है इसका, ये मफलर है, ये इनलेट पाइप, ये डिस्चार्ज पाइप है, देखिए पूरा इसके साथ वो लगा हुआ है, ठीक है जी। ये देखिए ये पूरा ये पाइप लगा हुआ है, डिस्चार्ज पाइप है। अब हम इस डिस्चार्ज पाइप को खोलेंगे और ये पूरी असेंबली बाहर निकालेंगे। तो ये जी अभी इसकी इलेक्ट्रिक को इसके साथ सेपरेट कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखिए पूरी असेंबली इस तरह से बाहर आ जाएगी। ये देखें जी, ये पूरी असेंबली इसकी बाहर आ गई है, ठीक है जी। अब इसके हेड में हम काम करेंगे, इसके हेड में काम करेंगे, ठीक है जी। अब दोस्तों इसके हेड के जो चारों स्क्रू हैं तो उनको हम खोल लेंगे। देखें चारों को बारी बारी खोल लिया, तो जब खोल के लेंगे तो क्योंकि ये इसका हेड जो है वो थोड़ा गंदा हो चुका है, तो इसकी हम सफाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये साफ़ हो जाए और ये काम करना प्रॉपर शुरू कर दें। अब देखें जी, इसका हेड खुल चुका है और हमने इसको अलग कर दिया। अब जिसकी वॉल प्लेट को जो है वो हम निकाल लेंगे। देखें स्क्रैपर के साथ हमने निकाल लिया एहतियात के साथ, और इसको क्लीन करेंगे क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी है, और क्लीन करने के बाद इसको दोबारा हम इंस्टॉल करेंगे। देखें काफ़ी ज़्यादा गंदी नज़र आ रही है। अब जी इसका जो डिस्चार्ज मफलर चैम्बर है उसको भी हम खोल लेंगे ताकि उसकी भी हम अच्छे से सफाई कर सकें। तो देखें इसके स्क्रू को खोल लिया और इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसके तमाम पार्ट्स को हम अच्छे से पेट्रोल से धो लेंगे ताकि उस पर जमा हुआ तमाम गंद जो है वो ख़त्म हो जाए और तमाम पार्ट्स जो है वो अच्छी खूबसूरत शक्ल में आ जाए। और ये देखें निचला बॉडी शैल है जी, और इसके अंदर ये ऑयल कूलिंग ट्यूब लगी होती है, और इसके साथ इसका अपर बॉडी शैल है। तो ये दोनों को हमने देखें साफ़ कर लिया हुआ है। अब जी ये देखें पैकन हमने इसको बना लिया है, इसका पैकन हमने वापस लगा दिया बना के, और ये एडजस्टिंग पिन है इसको वापस लगाएँगे। और देखें ये इसका मतलब मकसद ये है कि ये पोजीशन को एक जगह होल्ड करके रखता है। इसके बाद ये जी वॉल प्लेट है इसको वापस लगा देंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो है डिस्चार्ज वॉल्व लीफ है, ठीक है, ये हमने वापस लगाना है, लेकिन ये थोड़ा गंदा है अभी भी, इसको दोबारा से सफाई करेंगे। देखें हमने इसको दोबारा साफ़ कर लिया है और इसको जो है वो हेड के ऊपर वापस इंस्टॉल कर देंगे, रख देंगे। तो इसके बाद जो है इसका हेड कवर आएगा। अब जो है हेड कवर को हम देखेंगे। देखें हेड कवर जो है वो उसको हम मफलर के साथ जो है अटैच कर देंगे वापस। देखिए उसको टाइट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि जो हेड कवर होता है वो प्लास्टिक टाइप होता है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। तो अब हम उसको देखें टाइट कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो उसके साथ यानी कि एक अंदाजे के साथ, ताकि बहुत ज़्यादा ओवर
टाइटिंग ना हो जाए। अब जो है डिस्चार्ज वाल लीफ के ऊपर एक और पैकन लगा देंगे हम, ठीक है। तो पैकन के लगाने के बाद इसका हेड कवर जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। देखें इसकी पोजीशन कुछ, हाँ जी ये इस तरह आएगी, और आप देखें इसकी करेक्ट पोजीशन ये वाली है, तो इसको करेक्ट पोजीशन में लगा देंगे और इसके जो स्क्रूज़ हैं वो एहतियात के साथ टाइट कर देंगे। और आप देखें इसके हम स्क्रूज़ को टाइट कर रहे हैं, और इनको भी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करें, क्योंकि अगर ओवर टाइट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो स्लिप हो सकते हैं, और अगर स्लिप हो गए तो फिर ये जो हेड है वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए बहुत एहतियात से काम करें। अब जो है इसका स्टेटर जो है वो उसको रूटर पर लगा देंगे, और देखें उसके स्क्रूज़ वगैरह टाइट कर दिए हमने, ठीक है जी। तो स्क्रूज को अच्छे से टाइट करें और ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करें कि ताकि उनके स्लिप होने का चांस ख़त्म हो जाए। और अब जो है इसका डिस्चार्ज पाइप को हम वेल्डिंग कर देंगे। देखिए इसको पहले पाइप के अंदर बिठा देंगे और इसकी वेल्डिंग करेंगे। अब जी डिस्चार्ज पाइप की वेल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, जैसे कि हम इसकी सफाई करके देख रहे हैं। अब जो है इसको वेल्डिंग कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल वेल्ड कर देंगे। और ये कंप्रेसर बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब इसको हमने मुकम्मल वेल्ड कर दिया है, और देखें अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली, तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ये काविश है आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मालूमात हुई होगी, और जो रेफ्रिजरेटर आपके घरों में काम कर रहे हैं उसके कंप्रेसर के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, देखते रहिए फॉरएवर टेक।